लंच प्रसाद के लिए हम लोग ले चुके हैं टिकट। और अभी हम लोग जा रहे हैं गदा भवन की तरफ, जहाँ पे हम लोग अन्न प्रसाद के लिए टोकन कटाएंगे, जो कि 40, 60 और 80 रुपए का होता है, और वहाँ का अन्न भोग ग्रहण करेंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, बात करें अगर गदा भवन की रूम के बारे में, तो यहाँ की रूम की आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जो कि सबसे बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप सीज़न में आते हैं तो यहाँ पे आप ऑफलाइन में रूम मिलना मुश्किल होता है। तो आप ऑनलाइन आप रूम की बुकिंग कर सकते हैं। www.visitmayapur.com में जा करके आप यहाँ के रूमों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जो कि आपको 500 से 1000 के बीच आपको रूम मिल जाएगी। गदा भवन इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि गदा भवन में आपको वो बेहतर सारी फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो डिनर लंच के लिए हो या ब्रेकफास्ट के लिए हो, आपको अच्छी खासी यहाँ पर गदा भवन का प्रसादम हॉल सामने मिल जाता है। तो दोस्तों, गदा भवन में हम लोग लंच करने के लिए, लंच प्रसाद के लिए हम लोग ले चुके हैं टिकट। आप देख सकते हैं इस टिकट का 80 रुपये लिया, डिनर के लिए 50 रुपये है जैसा कि लिखा हुआ था, और ये टाइमिंग जो है लंच का 1 बजे का है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रसाद हॉल में। दोस्तों, देख सकते हैं प्रसाद अन्न ग्रहण करने के लिए अभी 1 बजने ही वाली है, और भीड़ देख सकते हैं, हजारों की मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ आई हुई है इस महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए। ये सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए अभी प्रसाद भवन में एंट्री कर चुके हैं, जो कि गदा भवन के सामने है। ये सारे लोग देख रहे हैं, लाइन लाइन से आ रहे हैं। तो ये सारे में कोई नीचे भी बैठ सकते हैं, प्रसादम हॉल की, तो इस प्रसादम हॉल में एक साथ कई सारे लोग यहाँ पे बैठ करके महाप्रसाद अन्न भोग ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे बैठने की सुविधा भी है, और इसके साथ साथ कोई अगर सीनियर सिटीज़न है तो उनके लिए भी टेबल बेंच की सुविधा है। तो अगर यहाँ पे खाने की अगर बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दोपहर में पूरी, चावल, सब्जी और खीर, और इसके साथ साथ एक छोटे से गिलास में आपको पानी मिलेगा। और कोई अगर दोबारा लेना चाहता है तो उसके लिए भी व्यवस्था है, आप दोबारा ले सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें आप ले नहीं सकते हैं। दोस्तों, फाइनली हम लोगों ने इस्कॉन मंदिर घूम लिया, मायापुर भी बहुत सारे जगहों को, विजिटिंग साइट को विजिट किया, और अंतिम समय में हम लोग महाप्रसाद भी ग्रहण किए, तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बड़ा महाप्रसाद करूँ था। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे परीक्षा ब्लॉग चैनल के साथ। थैंक यू।